सेंसर, ठीक है, जिसमें हमारा LM35 सेंसर लगा हुआ है, इसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। ये हमारी पार्टी सेटअप है जो इसको हमने कूलिंग सिस्टम बनाया हुआ है। इसके अंदर हमारा ये पंप लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये पंप है हमारा, इसका रबड़ उतर चुका है, इसको हमने पानी में डिप किया हुआ है, बर्फ़ उठाना थोड़ा सा, ठीक है। इस पंप के जरिए पाइप से पानी आ रहा है और ये सर्कल करा के सारा क्या कर रहा है, दोबारा ही पार्टी में पानी दोबारा डाल रहा है। उसके अलावा ये हमारा फैन है, ठीक है, इस फैन पे हमने सारा जो है अपना पाइप लपेटा हुआ है कूलिंग के लिए। ये हमारा सेकंड है जो हमारी मेन किट है, इसमें ये हमारा आर्डिनो लगा हुआ है, ये हमारा HD है जिसको हमने इंटरफेसिंग की हुई है, ये हमारी रिले लगी हुई है। रिले को हमने क्या किया हुआ, फैन को जो मेन सप्लाई है उसके दरमियान में हमने सीरीज में रिले को कनेक्ट किया हुआ है। जैसे ही रिले ऑपरेट हो गया, हमारा फैन क्या करेगा, ऑन कर जाएगा। इस वक्त आप हमें देख सकते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है नॉर्मल इस वक्त वो 29 पे है। जैसे ही हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, जैसे ही टेम्परेचर उस टेम्परेचर से मिलेगा तो ये क्या होगा, फैन ऑफ हो जाएगा। जैसे ही हम टेम्परेचर को इस नॉर्मल टेम्परेचर से कम करेंगे, कम करके क्या करेंगे, हम यहाँ से सेव करा देंगे, जैसे सेव कराएंगे तो ये फैन क्या होगा, ऑन हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए, हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे, चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको बर्फ में डालेंगे सेंसर को, ताकि वो टेम्परेचर कूल डाउन करके 16 डिग्री पर देख रहे हैं, ये हमने छोड़ दिया है। जैसे ही टेम्परेचर 16 डिग्री पर आएगा, फैन ऑफ हो जाएगा। अब ये जैसे ही हम इसको बाहर निकालेंगे और इसको हम अगर गर्म करें या नॉर्मल रख दें, तो ये जैसे जैसे रूम टेम्परेचर या नॉर्मल एटमॉस्फेयर के मुताबिक क्या करेगा, टेम्परेचर को पिक करेगा और फैन को क्या करेगा, ऑन करा देगा। और दोबारा जब हम इसको